अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम फरहत अनवार है। मेरा ताल्लुक आईबीएम वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर कानपुर से है। इससे पहले भी कई इंफॉर्मेटिव वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, यकीनन आपने देखी होंगी। आपसे दरख्वास्त करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको वीडियो जो पसंद आया करें उसको लाइक किया करें और अपने साथियों के साथ शेयर किया करें। तो इससे पहले कि हमारी वीडियो का टॉपिक था, आपको याद होगा डीसी इन्वर्टर एसी के फॉल्ट कोड एरर आपको हमने शेयर किए थे, 1 to 5 हमने आपसे शेयर किए थे। आज उसको आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं, 6 to 10, यानी कि हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसमें आप नोट कीजिएगा, बाज़ुकात क्या होता है कि जो कोड एरर होते हैं इसके मुताबिक फॉल्ट होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि एरर तो आ रहा होता है पर फॉल्ट इस तरह रिमूव नहीं होता, उसमें भी कई दफ़ा ऐसा होता है कि आउटडोर की पीसीबी में प्रॉब्लम होता है। अच्छे टेक्नीशियंस जब इसको चेक करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के टेक्नीशियन स्पेशलिस्ट इसमें काम करते हैं, तो वो इसको फॉल्ट को समझ जाते हैं। तो हमेशा ऐसा नहीं होता, बहुत कम, यानी कि ऐसे समझिए कि 10 से 15% कुछ फॉल्ट ऐसे होते हैं कि अपने कोड एरर के मुताबिक वहाँ पर इंडिकेशन नहीं दे देते हैं। अच्छा, वहाँ पर फ़र्क आने की रीज़न ये होती है कि वोल्टेज का इशू होता है, टेम्परेचर की कंडीशन चेंज होती है, और किसी प्राइवेट मिस्त्री से या इस तरह काम कराया होता है तो उसमें ओवरचार्ज हुआ होता है, कई सारी कंडीशंस में फॉल्ट क्लियर नहीं आ रहा। फिर भी नए यूनिट्स जो भी होंगे आपके उसमें यही कोड एरर आएंगे और उसमें जो इसकी फॉल्ट की जिस करप्शन लिखी है उसके मुताबिक आपको फॉल्ट को रिजॉल्व करना होगा। चलते हैं, अब आज की भी हमारी वीडियो का टॉपिक यही है, डीसी इन्वर्टर एसी के कोड एरर हैं उनके मुताबिक आपको बताएंगे कि उनकी क्लेरिफिकेशन किस तरह होगी। तो चलते हैं बोर्ड की जाने, पहले से मैंने एक टेबल बनाई हुई है आपके साथ शेयर करता हूँ। बिस्मिल्लाह, ये देखें, ये हमारा सीरियल नंबर आ गया, एरर आ गए, ये एलईडी ब्लिंक, फॉल्ट और रिपेयरिंग मेथड। अच्छा, यहाँ पर एरर और एलईडी ब्लिंक्स क्यों लिखी है, मैंने कल भी आपसे बताया था कि कई यूनिट्स में एलईडी पर बाकायदा कोड एरर लिखे हुए आते हैं। किसी किसी में एलईडी लाइट्स होती हैं तो वो लाइट्स इस पर लिखा हुआ है कि हर लाइट वाले कितनी दफ़ा ब्लिंक करेगी, तो उसकी रोयत के मुताबिक हमें वो फॉल्ट समझ आ जाएगा। अच्छा, हमेशा जो ये लाइट ब्लिंकिंग की बात होती है, मैक्सिमम येलो लाइट ही ब्लिंक करती है, रेड होती है, ग्रीन होती है और येलो। रेड पावर करंट को शो करती है कि मकसद उसमें सिस्टम हमारा सप्लाई पहुंच चुकी है। ग्रीन लाइट कंप्रेसर के ऑन होने का इशारा कर देती है, और जो येलो लाइट्स होती है वो इंडिकेशंस के लिए होती है। फिर आ जाते हैं बोर्ड की तरफ, जो आज हमारा 6 नंबर का फॉल्ट है, कोड एरर आ रहा है F1, ठीक है, F1 आसानी से पढ़ा जाता है, एलईडी वगैरह पे आता है। अगर उस सिस्टम में LCD नहीं है, LED लाइट्स है, तो वो ब्लिंक करेगी 3 सेकंड में, एक टाइम पे ब्लिंक करेगी, तो भी फॉल्ट क्या होगा हमारा, इंटरनल एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर डिफेक्टिव हो चुका है, उसमें मसला है। तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, उसका सॉल्यूशन ये होगा कि इंटरनल एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर का जेक अक्सर लूज हो जाते हैं, उसको जेक को हम एडजस्ट करेंगे। अगर उसके बाद भी उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो हम उस सेंसर को तब्दील कर देंगे, क्योंकि उसमें जो रेजिस्टेंस दी गई है वो उसकी जो वेरिएशन होती है वो बाज़ वक़्त आउट हो जाती है, तो फिर उस वजह से उस सेंसर को तब्दील करना होता है। पर 7वें नंबर पर आ जाते हैं, फॉल्ट इधर दिखा रहा है F2 या लाइट ब्लिंक कर रही है 3 सेकंड में 2 टाइम। अगर LED लाइट्स है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, लाइट अगर ब्लिंक कर रही 2 टाइम या F2 लिखा हुआ रहा है तो क्या पाइप फॉल्ट होगा, इंडोर पाइप टेम्परेचर सेंसर। इंडोर पाइप कौन से होते हैं, जो हमारा इनसाइड पर एवोपोरेटर जिसको कूलिंग पाइप भी कहते हैं, उन पाइप के साथ जो सेंसर कनेक्ट हुआ होता है उस सेंसर की बात कर रहे हैं कि इंडोर पाइप टेम्परेचर सेंसर का फॉल्ट हो सकता है। अब उसमें हमें करना क्या होगा, इंडोर टेम्परेचर सेंसर का जेक उसको भी हम देखेंगे, लूज हो जाता है, टाइट करेंगे, अगर उसके बाद भी मसला नहीं होता तो फिर हम वो सेंसर तब्दील कर देंगे, ठीक है। फिर हमारा 8वें नंबर पर आ जाता है F3 में भी अगर लाइट ब्लिंक 3 टाइम कर रही है तो फिर हमारा फॉल्ट क्या होगा, आउटडोर एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर प्रॉब्लम। आउटडोर एम्बिएंट टेम्परेचर कौन सा होता है, जो कंडेंसर के बैक साइड पर लगा होता है, वो वहाँ से एम्बिएंट टेम्परेचर ले रहा होता है, उसका प्रॉब्लम हो सकता है। इसके लिए भी वही है कि इसको एडजस्ट करेंगे, ठीक है, अगर उसका जैक एडजस्ट होने से मसला हल हो जाता है तो वेरी गुड,
अगर नहीं होता है तो फिर उस सेंसर को भी हम तब्दील कर देंगे। आज ज़्यादातर मैं आपसे सेंसर की बात कर रहा हूँ। 9 नंबर पर आ जाता है F4 फॉल्ट, ठीक है, F4 का अगर आ रहा है या उसमें LCD नहीं है और लाइट से अगर लाइट क्लिक करिए 18 टाइम यानी कि 18 दफ़ा करिए तो उस वक्त क्या फॉल्ट होगा, उस वक्त फॉल्ट होगा आउटडोर कंडेंसर टेम्परेचर सेंसर शॉर्ट या उसका सर्किट ब्रेक हो गया है, शॉर्ट हो गया है, ओपन हो गया है तो उसका प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरी सूरत में हम क्या करेंगे, आउटडोर कंडेंसर टेम्परेचर सेंसर को रिप्लेस कर देंगे। अगर वो सर्किट हमारा शॉर्ट हो जा रहा है उसमें से या ब्रेक हो जा रहा है तो दोनों सूरतों में उसको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो हम उसको सेंसर को तब्दील कर देंगे उसकी सेम वैल्यू का। अच्छा, फिर ये 10 नंबर पर लास्ट पार्ट हमारा आज का आ जा रहा है F5 या फिर लाइट क्लिंग करिए 5 टाइम तो उस वक्त हमारा फॉल्ट क्या होगा, आउटडोर डिस्चार्ज पाइप टेम्परेचर सेंसर शॉर्ट या ब्रेक हो गया है। तो आउटडोर का डिस्चार्ज कौन सा होगा, जो कंप्रेसर के डिस्चार्ज का पाइप होगा उसमें एक सेंसर लगा होता है, ये उसकी बात कर रहे हैं। उसमें क्या करना होगा, आउटडोर कंप्रेसर डिस्चार्ज पाइप टेम्परेचर सेंसर को रिप्लेस कर दिया जाएगा तो उसको हम तब्दील कर देंगे। दोस्तों आपने आज ज़्यादातर मैंने आपको सेंसर के मुताबिक बताया, कल हमने ई की सीरीज पे बात की थी, आज हमने एफ पे बात की है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो हम आपकी खिदमत में लेके हाजिर होते रहेंगे। आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करने की कोशिश क्या करें, आपके अक्सर सबके पास ही एसी होते हैं क्योंकि नॉन टेक्निकल स्टाफ अगर उसको हैंडल कर रहा होता है तो वहाँ पर प्रॉब्लम आती है, काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है। तो ये चीज़ आपके नोटिस में होंगी, ज़रूरी नहीं है कि ये टेक्नीशियंस हजरात के काम की चीज़ें, ये जो जो एयर कंडीशन इस्तेमाल करता है उनके काम की भी चीज़ें हैं। तो यकीनन आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, इंशाल्लाह अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।